स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह का रूट क्लियर कराने के दौरान हादसा, डॉक्टर ने पुलिस कर्मियों पर चढ़ाई कार। तीनों पुलिस कर्मियों को मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया दाखिल। गढ़ा थाना क्षेत्र का मामला, दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है बेसिकली यहाँ VIP मूवमेंट है, तो VIP मूवमेंट का पूरा जो रूट होता है उस रूट को क्लियर करने के लिए हमारा थाना प्रभारी गढ़ा और उसके टीम लगी हुई थी। तो यहाँ एक मेडिकल हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको वो हटा रहे थे, तो उसमें एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आया था और वो अपनी गाड़ी को उसने बैक किया, जो कि एकदम से लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक बैक किया, जिससे हमारे तीन आरक्षकों को चोट लगी है और TI को भी हाथ में चोट लगी है। तीनों आरक्षकों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, एक आरक्षक को थोड़ी ज़्यादा चोट है, तो उसमें हम लोग के द्वारा जो है अभी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी VIP ड्यूटी में हम लोग बिजी हैं। देन अभी हमारे आरक्षक और जो है हॉस्पिटलाइज है तीनों, और TI अभी ड्यूटी पे कर रहा है। बेसिकली वो जो हॉस्टल है उसके बाहर हमारा रूट है VIP रूट, उसके बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ उनकी पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियों को हटा दिया गया था, कुछ ही गाड़ियाँ बची थी उनको भी हटा ही रहे थे कि वो आए डॉक्टर साहब और उन्होंने बिल्कुल लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक गाड़ी को बैक किया जिससे चोट लगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।